राजनीति में रहती है तब तक ये ठीक रहती है, लेकिन जब बात कलाकारों पर आ जाती है, कला पर आ जाती है, तो फिर ये काफी ज्यादा गंभीर विषय बन जाता है। क्योंकि अब राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं हो रही है, बल्कि अब ये बॉलीवुड से लेकर फिल्मों तक फैल चुकी है। कैसे हर किसी फिल्म को लेकर बायकॉट का ट्रेंड चला दिया जाता है, कैसे कलाकारों को धर्म के नाम पर अब जज किया जाता है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। अब एक कलाकार अगर अपना सेट लगाकर लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए जाता है, तो उसके सेट को जलाने तक की कोशिशें की जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो अपनी बात रखता है। बोलने की आज़ादी हर किसी को है, चाहे वो कलाकार हो या फिर आम नागरिक ही क्यों ना हो, हर कोई अपनी बात को सामने रख सकता है। लेकिन ऐसे में अब कुछ लोगों की वजह से लोग अपनी बातों को रखने में डरने लगे हैं, और जो बेबाकी से रखते हैं उनके सेट को जलाने के लिए लोग आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अब एक नया मामला निकल कर सामने आ गया है, जिसमें मुनव्वर फारूकी, जी हाँ, मुनव्वर फारूकी से आप भली भांति वाकिफ होंगे, कैसे उनके बयानों को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, लोग उनके बयानों से आहत हो जाते हैं, कैसे उनके बयानों को लेकर धर्म को आहत करने वाली बातें सामने आ जाती है। ठीक ऐसा जैसी उम्मीद थी वैसा ही एक बार फिर से हुआ है, जहां गोशा महल में मुनव्वर फारूकी का जो है सेट लगा था, वहां पर बीजेपी विधायक ने जाकर सेट को जलाने की कोशिश की। अब आप अंदाजा लगाइए कि सेट को जलाने की कोशिश में मुनव्वर फारूकी अगर वहां पर होते तो उनको भी कितनी चोट आ सकती थी। तो क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? क्या बीजेपी के विधायक जो है वो इस बात के लिए माफी मांगेगी कि वो जानबूझकर एक शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं मांगेगी, क्योंकि ये अब फितरत हो गई है। सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष के शख्स को टारगेट करके उसके खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाने के लिए अब आदि हो गए हैं। ऐसी हर एक रोज नई खबरें सामने आ जाती हैं, जिसमें कोई जो है कुछ कहता है कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, चाहे वो बलात्कारी ही क्यों ना हो, बीजेपी के विधायक खुद इस तरह की बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के लोग जो हैं कलाकार हैं, उनके सेट को जलाने की कोशिश की जाती है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल तेलंगाना में कैसे बीजेपी से 36 का आंकड़ा रहता है, वैसे में गोशा महल के भाजपा विधायक राजा सिंह को शुक्रवार को शिल्प कला वेदिका में सेट को जलाने के रास्ते पर जाने के बाद शहर की पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी शनिवार को प्रदर्शन करने वाले हैं, यानी शनिवार को वो अपना सेट लगाकर लोगों से बात करने वाले हैं। राजा सिंह के कुछ समर्थकों द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान पुलिस वाहन को रोकने की कोशिश करने के बाद तनाव व्याप्त हो गया, तनाव का माहौल बन गया, लोग दहशत में आ गए, पुलिस ने उनके समर्थकों को खदेड़ दिया और विधायक को गाड़ी में बिठा कर लेके चले गए। भाजपा विधायक को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस बस में ले जाया गया, लेकिन समर्थक जो है उनकी पुरानी वही आदत गाड़ियों को रोकने की वही किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि उनके कुछ समर्थकों ने मुनव्वर फारूकी के शो के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदा है और कार्यक्रम को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, यहां पर उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने पुलिस से कार्यक्रम के लिए जारी परमिट रद्द करने की मांग की है, यानी अब ये पुलिस प्रशासन को बताएंगे कि आपको काम कैसे करना है। अगर हम सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और शो आगे बढ़ता है, तो हम आपको 22 अगस्त को दिखाएंगे, जहां हम एक और कॉमेडी शो आयोजित कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो तेलंगाना के डीजीपी और गृह मंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, यह कहना है बीजेपी के जो है नेता उनका राजा सिंह का, और सीधा धमकी दे रहे हैं। राजा सिंह कहते हैं कि हम 22 अगस्त को आपको दिखा देंगे जो हमें करना होगा, आप देख लीजिएगा, हम एक और कॉमेडी शो जो है वो आयोजन करेंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे एक का बदला दूसरे में दिया जाता है। ये सीधा सीधा बीजेपी के विधायक धमकी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को, खुलेआम सरेआम, और उनके समर्थक गाड़ियों के आगे गाड़ियों के ऊपर लेट जाते हैं कि राजा सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि सेट को जलाने का आरोप इन लोगों पर लगा है, सेट को जलाने की कोशिश की गई इन लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है और पुलिस प्रशासन के काम में दखल अंदाज करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजा सिंह ने कहा है कि मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता को टारगेट कर हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। विभिन्न राज्यों में उनके शो रद्द कर दिए गए थे, उसे पीटा गया और भगा दिया गया, एक दिन वो अपने कार्यों के लिए जेल जाएगा, ये भी भविष्यवाणी इन्होंने कर दी। राजा सिंह आगे कहते हैं कि पुलिस सूत्रों ने बताया है कि उन्हें
बोलाराम थाने में ले जाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद उन पर क्या वैधानिक कार्रवाई की जाती है, क्या जो कार्रवाई उन पर बनती है वो की भी जाएगी या फिर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उनको जेल में डाल दिया गया है, ऐसी भी अटकलें लोगों के द्वारा लगाई जा रही हैं। क्योंकि हर बार यही होता है कि अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो चंद ही घंटों के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाता है और दोबारा से फिर आकर वो वही चीज़ करते हैं। लेकिन जो बीजेपी के MLA विधायक सीधा सीधा ब्राह्मणों को यानी बलात्कारी ब्राह्मणों को संस्कारी बताते हैं और कहते हैं कि उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, वो बलात्कार कर भी चुके हैं लेकिन उनके लिए जितनी सजा दी गई थी वो काफी है, तो ऐसे में जितने भी बलात्कारी हैं क्या उनको छोड़ देना चाहिए, जितनी भी सजा उनको मिल चुकी है क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक और बीजेपी के जो विधायक हैं उनका इस तरीके से हरकत करना, यानी अब कलाकारों को भी ये लोग राजनीति में घसीटने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि राजनीति ऐसे ही जैसे ये चमका रहे हैं वैसी चमकी रहे और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को झुंझुना पकड़ा कर हिलाते रहें और उसके बाद बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई बात ना हो। जैसा विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, काले कपड़ों पर लेकर जादू हो जाता है, काला जादू हो जाता है, लेकिन बंगाल में यही चीज़ करने की किसी की कोई हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बंगाल वाले खुद काला जादू जानते हैं और बंगाल वाले कैसा काला जादू करते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी विधायक MLA अब सीधा सीधा एक धर्म विशेष को लेकर के टारगेट करते हैं, उन्हें टिप्पणियां करते हैं, उनके सेट को जलाने की कोशिश करते हैं, ब्राह्मणों को संस्कारी बताते हैं, बलात्कारियों को, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। बाकी नेशन 360 को सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।